अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं विद फैमिली मिमोसी, जिसे कहा जाता है आपके पास एकेशिया फैमिली, यानी कि आपके पास जो कीकर वाली फैमिली है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें वर्ल्ड वाइड, इसके आपके पास 56 जनराज आ रहे होते हैं, 2600 स्पीशीज आ रही होती हैं। पाकिस्तान के अंदर इसकी 11 जनरा हैं और 49 स्पीशीज हैं, जिसके अंदर से 4 जनरा और 18 स्पीशीज जो आपके पास यहाँ की हैं, यानी कि नेटिव हैं, जिनका ओरिजिन ही यहाँ का है। बाकी बाकी की जो जितनी भी स्पीशीज आ रही हैं वो आपके पास एग्जॉटिक हैं, यानी कि जो आपके पास बाहर की कंट्री से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं। ठीक है, फेमस प्लांट में जो फेमिलियर प्लांट्स हैं उसमें आपके पास एकेशिया नाइलोटिका आ जाता है, यानी कि आपके पास कीकर का प्लांट आ जाता है। जैसे आपके पास जो है वो दरख्त आता है कीकर का, ये उसकी ब्रांचेज जो है वो यहाँ पे दिखाई हुई हैं थॉर्न्स के साथ। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो है जैसे ये इसकी इन्फ्लोरेसेंस, हमारे पास ग्लोब्यूज इन्फ्लोरेसेंस आ रही है, जैसे हम लोगों ने पीछे भी बात की थी, आपके पास पिनेट इसके लीव्स आ रहे हैं, कंपाउंड लीव्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये आपके पास जो है इसके अंदर रेसिमोज जो है वो ग्लोब्यूज इन्फ्लोरेसेंस दिखाई हुई है, यानी कि आपके पास ये ग्लोब्यूज है और ये आपके पास डेसिमोज की फॉर्म में जो प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास एल्बिजिया लेबक आ जाता है, यानी कि आपके पास जो है वो इस तरह से दरख्त आ जाते हैं एल्बिजिया लेबक का, यानी कि आपके पास श्रीन का दरख्त आ जाता है। और ये जैसे इसके अंदर ये इसकी इंफ्लोरेसेंस है, जो कि बिल्कुल आपको स्टेमल्स जो है वो इस तरह से फ्लफी से नज़र आ रहे होते हैं ग्लोब्यूज की फॉर्म में। इसी तरह से आपके पास जो पॉड्स प्रोड्यूस हो रही थी, यानी कि फलियाँ जो है इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही थी। इसी तरह से आपके पास मिमोसा पुडिका आ जाता है, यानी कि टच मी नॉट वाला जो आपके पास प्लांट आता है। इसी तरह से आपके पास कंपाउंड लीव्स आ रहे हैं उसके, आपके पास इस तरह की पर्पल कलर की उसकी इन्फ्लोरेसेंस आती है। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से आपके पास प्रॉस्पोरस ग्लैंडुलोसा आ जाता है। ठीक है, इस तरह का आपके पास दरख्त होता है यहाँ पे, ये इस तरह की आपके पास रेसिमोज की इन्फ्लोरेसेंस होती है, जिसमें जो है आपके पास साइल फ्लावर जो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास इसके अंदर जो है इस तरह की पोड्स प्रोड्यूस होती हैं, इस तरह की जो है फलियाँ प्रोड्यूस होती हैं। इसी तरह से प्रॉस्पोरस काइनेरिया आ रहा है आपके पास, इस तरह से आपके पास जो है दरख्त होता है, जो कि इस तरह से जीरो फिटिक कंडीशन में आपके पास प्रेजेंट है, डेजर्ट वगैरह के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। इसी तरह से आपके पास रेसिमोज की इन्फ्लोरेसेंस आ रही है, यानी कि आपके पास यंग वाले टिप पे, ओल्ड वाले जो है वो नीचे बेस की तरफ। ठीक है, हैबिट की तरफ अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि आपके पास ट्रीज और शर्ब्स हैं इसके अंदर कॉमन है, बहुत रेयर होता है कि इसके अंदर हर्ब्स और क्लाइंबर्स वगैरह प्रेजेंट हो। मोस्टली आपके पास जीरो फाइट्स होते हैं। जीरो फाइट कौन से प्लांट होते हैं? जो हमारे पास ड्राई कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी होती है वाटर की, लाइक आपके पास डेजर्ट एरियाज वगैरह होते हैं, वहाँ पे आपके पास जीरोफिटिक प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जारी बात है, आपके पास ट्रीज आ रहे हैं कॉमन, तो उसकी जो स्टेम होगी वो आपके पास वुडी नेचर होगी। लीव्स की अगर हम लोग बात करें तो आपके पास कंपाउंड लीव्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने पीछे सारे प्लांट्स में देखा तो आपके पास कंपाउंड लीव्स आ रहे थे। ठीक है, पिनेट होते हैं, यानी कि आपके पास जो है वो उसमें पेरीपिनेट भी हो सकते हैं, इम्पेरीपिनेट भी हो सकते हैं। मोस्टली आपके पास जो है पेरीपिनेट होते हैं, यानी कि जो दो पे डिवाइड हो जाते हैं। अल्टरनेट होते हैं, यानी कि आपके पास एक नोड से एक लीफ, दूसरे नोड से दूसरा लीफ। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे आ रहा है, एक मिनट पीछे कीकर में देखें। ठीक है, आपके पास जैसे ये एक नोड से एक आ रहा है, दूसरे नोड से दूसरा आ रहा है, ठीक है, तीसरे नोड से तीसरा आ रहा है, चौथे नोड से चौथा आ रहा है, तो आपके पास अल्टरनेट जो है इसकी अरेंजमेंट आ जाती है। ठीक है, अच्छा जी, कहाँ थे हम लोग? अच्छा, तो आपके पास जो है वो अल्टरनेट आ जाते हैं, स्टिप्यूलेट आ जाते हैं, स्टिप्यूल मॉडिफाइड टू थॉर्न। जैसे आपके पास ये अल्टरनेट, एक ये आपके पास लीफ आ रहा है, एक ये लीफ आ रहा है, इसी तरह से ये लीफ आ रहा है, तो आपके पास अल्टरनेट अरेंजमेंट आ जाती है स्टिप्यूल, यानी कि जो कोई भी आउटग्रोथ होगी इसकी बेस पे वो आपके पास जाओगी, हम कहेंगे आपके पास स्टिप्यूल्स आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास स्पाइंस की जो है वो फॉर्मेशन आ रही है, तो हम कह रहे हैं आपके पास जो आउटग्रोथ है, स्टिप्यूल जो है वो बेसिकली आपके पास स्पाइनी नेचर है। ठीक है, अच्छा जी, इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम लोग बात करें तो आपके पास जो है इस तरह से इन्फ्लोरेसेंस आती है, जो ग्लोब्यूज होती है, अम्बल होती है, हम लोगों ने पीछे भी बात किया किस तरह से आपके पास अम्बल होगी। रेसिमोज होती है, रेसिमोज हम लोगों ने कीकर वाली जब शुरू में इन्फ्लोरेसेंस देखी थी उसमें हम लोगों ने देखा था स्मॉल इन्फ्लोरेसेंस जो थी आपके पास ग्लोब्यूज की फॉर्म में थी, ज़्यादा आपके पास ग्रुप जब आ रहा था इन्फ्लोरेसेंस का तो आपके पास रेसिमोज की फॉर्म में था। ठीक है, अम्बल कौन सी होती है जिसमें एक ही नोड से आपके पास है डिफरेंट फ्लावर्स निकल रहे होते हैं? ठीक है, उसे हम कहते हैं अम्बल। ठीक है, तो आपके पास मिलके वो एक ग्लोब सा बना रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं ग्लोब्यूज हेड जो है वो उसकी फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है। कई जो फ्लावर्स होते हैं वो उसके अंदर स्पाइक होती है, यानी कि आपके पास सेसाइल फ्लावर्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने पीछे भी एक इन्फ्लोरेसेंस देखी थी इसकी, जो आपके पास इन्फ्लोरेसेंस आ रही थी, या आपके पास जो है वो सेसाइल फ्लावर्स आ रहे थे। ठीक है, तो आपके पास सेसाइल भी हो सकते हैं और आपके पास पेडिसिलेट भी हो सकते हैं। अच्छा जी, फ्लावर की अगर हम लोग बात करें तो बाइसेक्शुअल होता है, यानी कि इसके अंदर स्टेमन्स भी होंगी, कार्पल्स भी होंगी। जैसे ये फ्लावर है, ये इसका एक फ्लावर दिखाया हुआ है, ये इसकी स्टेमन्स आ रही हैं, ये इसकी कार्पल आ रही है। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये लेग्यूमिनोजी से बिलोंग करता है, तो आपके पास एक ही कार्पल होती है, स्टेमन्स आपके पास न्यूमरस भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि आप किसी भी एंगल से काटो तो आपके पास इक्वल हाफ जाए, तो उसे हम कहते हैं ये आपके पास एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। हाइपोजाइनस होगा, सुपीरियर ओवरी या फिर पेरीजाइनस होगा। सुपीरियर किस तरह से आ रही है? जैसे ये आपके पास उन्होंने दिखाया हुआ, ये इसकी पेटल्स हैं ग्रीन कलर की,
ये यहाँ पे इसकी सेपल्स आ रही हैं, ठीक है। कार्पल जो है वो ऊपर प्रेजेंट है, इसके नीचे से जो है वो आपके पास सेपल्स और पेटल्स इसके नीचे से निकल रही हैं। तो हम लोग कहते हैं ये आपके पास ओवरी जो है वो सुपीरियर आ रही है। जैसे ये आपके पास सेपल्स हैं वो बाहर प्रेजेंट है, ये पेटल्स आपके पास बाहर प्रेजेंट है, इसी तरह से सेपल्स आपके पास बाहर प्रेजेंट है, इसी तरह से ब्रैकेट्स आपके पास जो है वो आ रही हैं, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं ये आपके पास ब्रैक्टीएट फ्लावर है, ठीक है। सेपल्स भी बाहर, पेटल्स भी बाहर, ओवरी जो है वो बिल्कुल मिडल में आ रही है, यानी कि ऊपर आ रही है। तो हम लोग कह रहे हैं ये आपके पास सुपीरियर ओवरी आ रही है, ठीक है। तो ब्रैक्टीएट क्योंकि इसके अंदर ब्रैकेट्स प्रेजेंट है, तो हम लोगों ने नाम दे दिया है इसका ब्रैक्टीएट फ्लावर का, ठीक है। अच्छा जी, कैलेक्स की बात कर लेते हैं, यानी कि आपके पास सेपल्स, जैसे यहाँ पे आपके पास ये जो आपके पास सेपल्स थी, आपके पास फाइव आ रही होती हैं, बेसिकली फ्यूज होती हैं, टूथ डोंगी या फिर लोब डोंगी, यानी कि इस तरह से आपके पास उसके अंदर डिप्रेशन आ रहा होता है या फिर लोब्ड होती हैं। इसी तरह से पेटल्स आपके पास फाइव आ रही होती हैं, फ्री भी हो सकती हैं, फ्यूज भी हो सकती हैं और लोब्ड होती हैं, ठीक है। जैसे ये आपके पास जो है वो पेटल्स आ रही हैं, आपके पास जो है ये से ये इन्होंने दिखाई हुई है, आपके पास फ्यूज पेटल्स दिखाई हुई। अच्छा जी, देन हम लोग बात करते हैं इंड्यूशन की, यानी कि स्टेमल्स आपके पास फाइव भी हो सकते हैं, न्यूमरस भी हो सकते हैं। जैसे इसके अंदर आपके पास जो स्टेमल्स दिखाई हुई हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा दिखाई हुई हैं, यानी कि आपके पास न्यूमरस अमाउंट में जो है वो स्टेमल्स आ रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, न्यूमरस हो सकती हैं फ्री और एडनेट टू बेस ऑफ करोला, यानी कि आपके पास अलहदा अलहदा से भी प्रेजेंट हो सकती हैं, या फिर जो पेटल्स हैं उसके साथ फ्यूज भी हो सकती हैं, यानी कि पेटल को आप अलहदा करें, साथ ही आपके पास जो है वो स्टेमल्स भी आ जाए, तो उसे हम नाम देंगे कि यह बेसिकली एडनेट है करोला के साथ, ठीक है। गाइनोशियम, यानी कि आपके पास जो कार्पल आ रही है, आपके पास एक ही गाइनोशियम है, हम लोगों ने बात की थी जो लेग्यूमिनोजी फैमिली है उसके अंदर आपके पास एक ही कार्पल प्रेजेंट होता है, एक ही जो आपके पास ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जाहिर बात है एक कार्पल है तो वो आपके पास यूनिलोक्युलर होगी, यानी कि एक ही स्पेस उसके अंदर प्रेजेंट होगी। सुपीरियर ओवरी आ रही थी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था आपके पास जितने भी वॉल्स हैं वो उसके नीचे से ओरिजिनेट हो रहे थे, ओवरी ऊपर प्रेजेंट थी, तो हम लोगों ने कहा था ये आपके पास सुपीरियर ओवरी आ रही है, ठीक है। तो सुपीरियर ओवरी है, अब उसके अंदर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ओव्यूल्स होंगे तो आपके पास मार्जिनल प्लेसेंटेशन आ जाएगी। जैसे आपके पास जो है वो यहाँ पे अभी दिखाया नहीं हुआ, जैसे पोर्ट के अंदर आपके पास है बिल्कुल मार्जिन के साथ ही लगे होंगे, तो उसे हम कहेंगे ये आपके पास मार्जिनल प्लेसेंटेशन आ रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका फ्लोरल फार्मूला लिखाया हुआ, ये वाला जो साइन होता है ये एक्टिनोमॉर्फिक का होता है, यानी कि आप किसी भी एंगल से काटो तो आपके पास इक्वल हाफ साइन। ये आपके पास बाइसेक्सुअल का होता है, ये आपके पास मेल का निशान है, ये आपके पास फीमेल का निशान है। अगर आपके पास मेल और फीमेल फ्लावर एक ही के अंदर प्रेजेंट है तो हम लोग इस तरह से बाइसेक्सुअल का जो वो शो करते हैं, ठीक है। कैलेक्स यानी कि सेपल्स को हम लोग के से डिनोट करते हैं, फाइव थी तो हम लोगों ने फाइव लिख दिया, फ्यूज हैं तो ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। इसी तरह से करोला आपके पास पेटल जो थी वो फाइव थी, फ्री होंगी तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, फ्यूज होंगी तो आप जो है वो ब्रैकेट लगा दोगे, ठीक है। एंड्रोशियम यानी कि स्टेमल्स आपके पास क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो हम लोगों ने इस तरह से न्यूमरस का जो यानी कि आपके पास इन्फिनिटी का साइन शो कर दिया, यानी कि आपके पास न्यूमरस जो है वो इसके अंदर स्टेमल्स आ रही हैं, ठीक है। गाइनोशियम यानी कि आपके पास कार्पल एक आ रही थी, ठीक है, फ्री थी तो इस वजह से क्योंकि आपके पास एक ही है तो फ्री ही होगी, ठीक है। अगर ज़्यादा होती, अगर वो भी फ्री होती तो हम कोई ब्रैकेट ना लगाते, अगर फ्यूज होती तो हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं, नीचे निशान लगाएंगे क्योंकि आपके पास सुपीरियर ओवरी आ रही है, अगर इन्फीरियर आ रही होती तो हम लोग इसके ऊपर निशान लगा देते हैं, ठीक है। फ्रूट की अगर हम लोग बात करें तो आपके पास दो तरह का हो सकता है, लिग्यूम हो सकता है या फिर लुमेंटम हो सकता है। लिग्यूम जो कि मेचोरिटी के ऊपर ब्रेक कर जाता है, फट जाता है, उसे हम कहते हैं लिग्यूम डिहिसेंट फ्रूट है, ठीक है। लुमेंटम जो कि मेचोरिटी पर भी नहीं फटता, तो उसे हम कहते हैं ये आपके पास लुमेंटम आ जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो आपके पास जो है वो इसके अंदर डिफरेंट ट्रीज आ जाते हैं, जैसे आपके पास एकेशिया आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास एल्बिजिया लेबक आ जाता है, इसी तरह से आपके पास जाइलिया आ जाता है, ठीक है, जिनकी वुड को बेसिकली कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्नीचर के लिए और फ्यूल के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। इसी तरह से आपके पास जो एल्बिजिया लेबक होता है, यानी कि ये वाला जो ट्री होता है, इसकी वुड जो है इसको कैबिनेट वर्क में भी यूज़ किया जाता है, आपके पास रेलवे कैरेजेस वगैरह को हब बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इसी तरह से आपके पास जो एकेशिया नाइलोटिका है, इसकी जो स्टेम है उससे जो है वो गम निकाली जाती है, अरेबिक गम, और एकेशिया सेंगल जो है उससे भी जो आपके पास अरेबिक गम जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो आपके पास एकेशिया कैटीचू है, इससे जो है वो कत्था आपके पास बनाया जाता है, जो कि बेसिकली डाई के तौर पे भी कई लोग इसको पाउडर बना के उसे डाई के तौर पे भी यूज़ करते हैं, कई लोग इसे पान के अंदर भी यूज़ किया जाता है, जिसे कहा जाता है कत्था जो है उसको अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है। इसी तरह से आपके पास जो है वो जो एकेशिया नाइलोटिका है, जो आपके पास यानी कि कीकर आ रहा था, इसके जो लीव्स होते हैं उनको ब्लड प्योरीफायर के तौर पे यूज़ किया जाता है, जैसे साफ़ी वगैरह के अंदर जो है वो इनको यूज़ किया जाता है ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए, टॉक्सिन्स वगैरह को सेपरेट करने के लिए। इसी तरह से कई प्लांट्स आ जाते हैं जिनको उनकी फ्लावर्स की वजह से जो है वो लगाया जाता है ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए, जैसे आपके पास मिमोसा पुडिका आ जाता है, यानी कि आपके पास टच मी नॉट आ जाता है, इसके आपके पास पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं जो कि हम लोगों ने शुरू में भी देखे थे। इसी तरह से आपके पास एकेशिया मेलानोक्साइलोन आ जाता है, यानी कि इस तरह के उसके फ्लावर्स होते हैं, इसे भी ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए जो है वो ग्रो किया जाता है। इसी तरह से हम लोगों ने प्रोस्पायरस की बात की थी कि उसको जो है वो विंड शील्ड के तौर पे लगाया जाता है, जैसे ये आपके पास ये
इसके अलावा जैसे हम लोगों ने पीछे बात की थी कि प्रोस्पायरस जो है उसको विंड शिफ्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है, जैसे ये आपके पास प्रोस्पायरस जो है उसके ट्रीज लगाए हुए हैं, यानी कि ये इस तरह से जो है वो लगाया हुआ है, इधर प्लांटेशन जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है उसको यूज़ किया जाता है, यानी कि जो विंड आएगी वो जो है उसका प्रेशर जो है ये जो आपके पास वेजिटेशन हम लोगों ने लगाई हुई है उसका प्रेशर कम कर देगी, जो पीछे वेजिटेशन है जो पीछे प्लांट्स बचाए हुए हैं लगाए हुए हैं वो बेसिकली विंड के प्रेशर से बच जाएंगे, तो हम लोग एज विंड स्ट्रिप जो है इन प्लांट्स को यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास थी फैमिली मिमोसी, यानी कि जो आपके पास कीकर वाली फैमिली आ रही है।